नवजोत सिंह सिद्धू ने अज सरेंडर कर दिया गया है। उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिता सीगा पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मनिया गया। पर अकाली दल वाले आरोप जरूर ला रहे थे भी कल इन्होंने प्रदर्शन किया हाथी से चढ़िया उदो सेहत कितने से। सो देखो मैं सुप्रीम कोर्ट मानजोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं और बारे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ बतौरे राजा वड़िंग मैं समझदा कि औखे समय वेले अगर कित भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरी जरूरत पएगी जां परिवार नूं जरूरत पएगी मैं चटांग वांग उन्हां दे नाल खड़ा रहूंगा। ये एज ए इंसानियत हरेक व्यक्ति का साडा फर्ज बनता है कि जो औखा होवे सानूं साडे माँ प्यो ने सिखाया है, बेशक कोई राजनीतिक मतभेद हो सानू साढ़े माँ प्यो ने सिखाया कि औखे समय वेले तुसी हर उस व्यक्ति ना खड़ो जिन्हू लोड़ है। पर तुसी निश्चित तौर ते खड़ोगे क्योंकि जड़ के जेड़े सीनियर लीडर ने पुराने उन्होंने भी कांग्रेसी लीडर ने मैं तुहानू मैं देखो हर बंदे दे आपदे आपदे विचार ने किसी का कोई विचार नहीं, किसी का कोई दुख है किसी ने किवें, मैं तुहानू आपदे विचारां दे बारे दस सकदा। बीच दे विच सुनील जाखड़ बारे बोलिया सी वी 6 महीने तो ही उहदियां गल्लां चल रहियां सी, की हैगा उह? देखो जनता नूं ये लगता सी, हालांकि मैनू तो इस गल का पता सी पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता सी क्योंकि लोग शायद मेरी गल ते यकीन ना करते। उन्होंने कहना सी राजा वड़िंग हुण कांग्रेस पार्टी का प्रधान है इस गल करके गल कह रहे हैं। ये दिल्ली हाईकमांड नूं मैनू ते मेरा ख्याल साढ़े तमाम वड्डे लीडर साहबानां नूं इस गल का पता सी कि 6 महीने देश के गृह मंत्री नाल अमित शाह नाल समझौता हो चुकिया सी। उस समझौते के तहत जाखड़ साहब ने एक गल कही कि कांग्रेस पार्टी के हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। हालांकि बतौरे हिंदू जो चुनाव हार गए सन, हालांकि वो जाट ने थोड़ी जी आबादी है पंजाब के, लेकिन हारियां के बावजूद कांग्रेस पार्टी का मुखिया उन्होंने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने CLP उन्होंने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने हारन तो बाद मुखिया बना के बाय इलेक्शन लड़ा दिता, गुरदासपुर का MP भी उन्होंने बनाया, इस दे बावजूद उन्होंने भतीजे नूं टिकट दिती। कोई ऐसा अहुदा नहीं है, कैंपेन कमेटी चेयरमैन बनाया, उन्होंने स्क्रीनिंग का मैंबर बनाया जिहड़ा कि कदे बनया नहीं गा, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन स्क्रीनिंग का मैंबर नहीं बन सकता सी। इस दे बावजूद जाखड़ साहब का यह गल कहना कि हिंदू वास्ते कोई जगह नहीं, वो चाहते सन सरकार चली जाए, मिशन के तहत समझौते के तहत जो राज्यसभा का समझौता होया सी कि मैं राज्यसभा लवांगा, मैं सरकार दियां आपदी पार्टी दियां तज्जियां उड़ावांगा, तो जिस दिन चिंतन शिविर होया जिन्हें छड़नी है तुसीं पार्टी छड़ सकते हो, तुहाडी मेरे नाल नहीं बनदी, तुसीं पार्टी छड़ सकते हो। लेकिन जिस तौर तरीके दे नाल जान बुझ के चिंतन शिविर वाले दिन वीडियो पा के तां जो साडे चिंतन शिविर की गल ना बन सके, नाल जाखड़ की वीडियो चले और उस तो 2 दिन बाद ही नड्डा नूं जाके सरोपा पा लेना, ये 6 महीने पुरानी गल सी 2 महीनों च। सो ये साजिश के तहत होया है और इस स्कीम के तहत होया है, सौदेबाजी है। और मैं थोनू ये भी कहना चाहना है पार्टी छड़ जे कोई व्यक्ति छड़ सकता है क्योंकि उरे विचारधारा बदल गई है, उन्हें गिला हो सकता है छड़ गया, लेकिन चंगे लोग जिन्हां नाल दोस्ती रही होवे 50-50 साल परिवारां नाल, वो परिवार की निंदा नहीं करते, वो सौदा नहीं करते। इनू गदारी कहा जाता है, इनू दोगला नीति कहा जाता है। सो मैं समझदा कि बहुता चंगा काम जाखड़ साहब ने नहीं किया, भाजपा वड्डा दा खेडण जा रही है सुनील जाखड़ नूं संगरूर तों भी जिम्मी चोण लड़ाई जा, चंगी गल है, नाले वड्डे दादा भी पता लग जू ते नाले सुनील जाखड़ दा भी पता लग जू। सुनील जाखड़ नूं 3 वारी पार्लीमेंट की टिकट दिती, 3 वारी फिरोजपुर तो हारे, जे बाय इलेक्शन ना होंदा सरकार झोली छुपा के ना दिंदी तो शायद वो चुनाव भी हार जाते, उस तो बाद चुनाव होया दोबारे फिर टिकट लई, फिर 1.5 से 2 लाख वोटर दे नाल हारे। ये पता लग जाना चाहिए, ये भुलेखा नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नाल ही सुनील कुमार जाखड़ जी वड्डे सन, अज राजा वड़िंग जे वड्डा तो कांग्रेस पार्टी के नाँ नाल, अगर मैनू कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का अहुदा बख्श के नवाजा तो मैं कल सौदा करा। अज बथेरिया योजना ऑफर साड़ी मैडम रजिंदर कौर पठल जी आई हो जिहड़ी कि साबका मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वफादार वो है जिहड़ा चटांग वांग आपदी पार्टी दे नाल खड़ा रहे। गिले शिकवे हैगे है पार्टी दे लोगां नाल भी होणगे मैडम जी, उपर भी होणगे किसे नाल, लेकिन वो अंदर कमरे च वड़ के किते जा सकदे। मैनू कांग्रेस पार्टी का प्रधान जदों तो मैं बनया, मैं पूरे पंजाब के हरेक विधानसभा च जा रहा क्योंकि मैनू लगता है कि
बड़ी लोड़ है सानू कांग्रेस दे जिहड़े वर्कर साथी ने उन्हां नूं मिलन दी। ये पहला पलेठी मीटिंग है, सो इस करके उस मुहिम के तहत क्योंकि प्रधान का फर्ज बनता है ना केवल वो चंडीगढ़ दफ्तर बैठे लोगों नूं आ के मिले। और मैं पहले दिन कहा सी असी जिहड़ा सादगी वाला प्रोग्राम रखिया सी असी कहा सी कि वर्कर नूं चंडीगढ़ आउण दी लोड़ नहीं, असी वर्कर कोले पहुँच करांगे, उन्हां कोले जावांगे, उन्हां दीआं समस्यां सुणांगे, उन्हां नाल गल्लबात करांगे। सो ये पहली जिहड़ी मीटिंग है वह तमाम पंजाब के हर विधानसभा च असी कर रहे हैं। इस तो बाद जिहड़ी दूजी मिलनी होएगी कोई 10 दिनों बाद जां 12 दिनों बाद फिर लोगों नाल असी बैठांगे, डायलॉग करांगे, उन्हां तों विचार सुणांगे कि वो चाहते ने कि वो महसूस करते हैं कि साढ़े च कमियां रह गईं, क्यों असी सत्ता सरकार चो बाहर होए, किहड़ियां वो कमियां सन और वो किहो जी अगे जिहड़ी रणनीति बनाउणा चाहते ने, उन्हां नूं पुछ के असी आने वाले समय की रणनीति बनावांगे। तो जिवें कांग्रेस पार्टी के वर्कर कहणगे उस तरह असी कांग्रेस पार्टी नूं अगे तो चलाउण दा उपराला करांगे। उस तहत ये जिहड़ियां मीटिंगां असी शुरुआत की थी। तो होगी सरकार बनी जी तुसीं जा रहे हो की आउटपुट आ रही है सरकार प्रति जां कांग्रेस दी नवीं जथे? मैं कोई सरकार के बारे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि कई लोग हजे महसूस करते हैं कि उन्होंने 2 महीने हुए, लेकिन मैं समझना कि 2 महीने भी काफ़ी होंगे ने, काफ़ी होंगे ने, लेकिन जिमें 5 साल सरकार तो लोगों का मोह भंग होया, मैनू लगता 4th साल मोह भंग होना शुरू होया कांग्रेस पार्टी के प्रति। मैं कोई ये गल कहन हर्ज नहीं है पर मैं पहली सरकार वेखी है जिरा 2 महीनों ही लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया। अज मैं संगरूर सुबह सैर की, लोगों ने कहा असी थक गए हुणे, मैं कह यार हजे तो समा बहुत लंबा पिया है हुणे ही थक गए, क्योंकि जिस तरह दीआं कारवाइयां लोग महसूस करते हैं। लोगों ने भगवंत सिंह मान नूं जताया, बहुत वड्डा मैंडेट दिता, पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, मैनूं लगता कि पंजाबी ये महसूस कर रहा कि भगवंत मान सरकार नहीं चल रहा है, दिल्ली तो सरकार चल रही है। तो कोई भी मेरा ख्याल कोई ऐसा फैसला हजे तक लिया नहीं गया जिहड़ा लोगों को कहे कि ये जनहित फैसला है, केवल किसी को घर छुड़ा लिया, कोई फलां कर लिया, कोई पेंशन बंद करती, यह जिहड़े फैसले लोगों केवल उकसाया जा रहा। मेरा ख्याल कोई ठोस कोई कदम नहीं सरकार ने चुकया। जो किसान परेशान है, आम लोग परेशान है, लेकिन इस दे बावजूद भी मैं चाहना कि होर सरकार नूं होर महीना दिता जाए, सरकार की कारगुजारी लोग अपने आप लोग दसन लग पैणगे कि कारगुजारी है सरकार। इस पलेठी वर्कर मेले च किस तरह दा हंगारा मिलेगा? मैं समझदा जी कि पहली मीटिंग अज सुनाम करके आए हैं, दिड़बा करके आए हैं, कल 5 विधानसभा च गए हैं, मैनूं उम्मीद नहीं सीगा क्योंकि इक्को दम हार तो बाद हजे 2 महीने नहीं हुए तो वर्कर नूं बुलाउणा, वर्कर नाल गल करनी, मैनूं उम्मीद नहीं सी कि इस तरह लोग उत्साह दे विच आउणगे, क्योंकि निराश तो बहुत वड्डी हुई पार्टी वालों भी हुई, साड़ियाँ गलत गल्लां करके आपदियाँ गलतियाँ करके हुई। सो मैनू उम्मीद नहीं सी कि इन्नी जल्दी वर्कर उठ खड़ा होएगा, लेकिन जो लोगों च उत्साह वेखण नूं मिलिया मैनू पूरन उम्मीद है। हालांकि मेरा डर दिल डरदा सी पर मैनू पूरन उम्मीद है कि जिहड़ा बाय इलैक्शन होएगा कांग्रेस पार्टी का, जे इस तरह का उत्साह रहा तो असी अवश्य रूप दे विच जिहड़ा बाय इलैक्शन लोक सभा जितांगे। राय साहब तुसीं कह रहे हो भी आप सरकार दिल्ली तो केजरीवाल साहब चला रहे, तुहानूं की लगता कि आप सरकार के हुंदिआं पंजाब के हित सुरक्षित ने पानी नूं लैके बिजली नूं लैके उन्होंने नीं फौजी बलां दीआं 10 कंपनियां लगदीआं पंजाब दे? देखो जी मैं मैमोरेंडम दे के आया, जिहड़ा एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, मैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है, श्रीमती सोनिया गांधी जी को साडे मुख्यमंत्री जाते रहे हैं, गलबात सुनते रहे, लेकिन कदे उन्होंने साढ़े ब्यूरोक्रेसी ना मीटिंग्स नहीं की। सो जदों इन्होंने बिना भगवंत मान जी तो ब्यूरोक्रेसी ना मीटिंग की तो पंजाब के लोगों ने इसका सिर चढ़ के रौला पाया, उन्होंने एक बहाना बना लिया, फिर एग्रीमेंट साइन किया जिहड़ा कि कर ही नहीं सकते, जिहड़ा संवैधानिक तौर पर हो नहीं सकता,
कोई भी एग्रीमेंट है जिहड़ा उहनूं चीफ सैकटरी साइन कर सकता है जां कोई सैकटरी कर सकता है, मुख्यमंत्री साइन नहीं कर सकता, केवल साडियां फाइल्स देखण वास्ते। साडे इंटरस्टेट बहुत मसले हन, साडा बॉर्डर स्टेट है, साडा पाणियां दा रौला है दिल्ली दे नाल, पोल्यूशन दे इल्जाम साडे ते लगदे ने, होर कई ऐसियां चीज़ां ने। असी नहीं समझते कि यह जायज़ है कि वह साड़िया दिल्ली वाले फाइलों देखण। ये मैं समझना कि बहुत वड्डा कॉन्स्टिट्यूशन की उलंघना हुई है। इस गल नाल पंजाब की मैं समझदा कि सुरक्षा नूं खतरा है, ये नहीं होना चाहिए सी। सो बिल्कुल, पर लेकिन मैं समझदा कि मान साहब नूं लोगों ने बनाया, लेकिन मान साहब सरकार नहीं चला रहे, दिल्ली सरकार चला रही है। सो ये नहीं होना चाहिए लोगों का विरोध। भगवंत मान सरकारां दे विच नाराजगी बहुत पाई गई, किदां दे बड़कर जिहड़े कम कर रहे ने पार्टी दे उहनां विच नाराजगी बहुत पाई गई इलैक्शन वाले ग्राउंड। हाँ जी, असीं जावांगे, मैं तुहानूं कहा कि घर घर जावांगे, उहनां वर्कर्स नूं पुछांगे क्यों नाराज़ ने, ते साडा फर्ज बनदा है, साडा फर्ज बनदा कि उहनां दी नाराजगी सुणीए, उहनां दे गिले सुणीए, ते उहनां नूं गिले दूर करिए। पर भगवंत मान एक मॉडल दिल्ली मॉडल इत्थे लैके आना चाहुंदे ने, क्योंकि 15 अगस्त तो जिहड़ा महला क्लीनिक है वह कह रहे भी पंजाब दे विच असीं लैके आवांगे, पर पंजाब दे जिहड़े होस्पिटल आ उहनां दे विच डॉक्टर नहीं हैगे, उहनां दे हालात। मैं तुहानूं फिर कहना चाहुंदा, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहुंदा इन्हां महला क्लीनिक्स बारे, इन्हां ही स्कूलों के बारे, जनता जनार्दन हुंदी है। मैं कह दियांगा कि माड़ा फैसला जनता ने नहीं मन्ना, जदों तक अखी डिठा लोग वेखणगे नहीं, क्योंकि मैं उन्हां महला क्लीनिक्स का अखी डिठा वेख्या दिल्ली दे अंदर। वो स्कूल्स साडे स्कूल्स उन्होंने चंद पांच स्कूल अगर तुसी तैयार करके उन्हों दिल्ली मॉडल पेश करो तो मैनू लगता ये बहुत ही चंगी गल नहीं है। हालांकि जिहड़ा इंडियन स्टैंडर्ड जिहड़ा केंद्र सरकार ने सानू दिल्ली नालों ज़्यादा नंबर दे के नवाजिया, तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के स्कूल जोड़े है वो ज़्यादा वधिया। सिक्ख्या के सेहत के खेत में कहते पहल देवे, पर अजे तक डेढ़ महीना बीत गया, 10 दिन में छुट्टी हो जाने गर्मी, अजे तक जो किताबा नहीं पहुंची सरकार। अजे तो फिर वो आपदे जिहड़ा लीडर है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ही खुश कर रहे हैं, कदे फलाने फड़ लिया, कदे फलाने परचा दिता, कदे अलका लांबा जी सद लिया। सो हजे मेरा ख्याल यहोजी उन्होंने सोच नहीं, हो सकता है उन्होंने कहा तो सीगा, देखो आने वाला समा दस। एक 1766 पटवारी रिटायर्ड पटवारी रख रही थी कांग्रेस, वो तो विरोध कर रहे थे आप वाले, पर हम रख रहे हैं मैं थोनू पहले ही कह रहा है कि भगवंत मान जी जिदे बने वे कहते दिल्ली चंडीगढ़ कोई वर्कर नहीं आएगा, मिलनी हूँ पिंडा छोएगी, सत्था चो सरकार चलूगी, चली जाती है सत्ता चो सरकार, सद ले लोग उत्थे। फिर क्या सी ये नवे मुंडे कितने जाएंगे, ये पुराने जे देना है काम तो नवे कितने जाएंगे, भर्ती किमें करो, उ पटवारी लाते सानू कहते इन्होंने कर्जा लिया, मैं इनकुआरी कराऊंगा 7,000 करोड़ का, 2 महीने कर्जा भी ले लिया। सो मेरे कहने का मतलब ये है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं दोबारा फिर कहना चाहना है, क्योंकि लोग सानू फिर कह देंगे कि इन्होंने समा दो, सस्ती शराब दे रहे हैं, सस्ती शराब तो दे दें, घर घर ना पहुँचा दें, क्योंकि दिल्ली मॉडल ये है। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली मॉडल ये है, दिल्ली च होम डिलीवरी कर रहे केजरीवाल, ये दिल्ली मॉडल है। कि ना हो घरे घरे शराब पहुँचा दें, ये ना हो पता लगे भी सारा समाज ही साडा दे करके। प्रधान जी बाई इलैक्शन की गल करिए, तुसीं भी जितांगे, कोई अलायंस होएगा किसी पार्टी नाल? हजे तक कोई ऐसी गल नहीं, और मेरा ख्याल कांग्रेस पार्टी सक्षम है गले लड़न।